श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण है जी 9 नवंबर हो रही है वो संबंध में है कि क्योंकि अकाली दल के बीबी जगीर कौर जी बागी होकर चोण लड़ रहे हैं वो करके सारा आप जो अज का जो अपना सदा पत्र दिता गया ज टाइम दिता गया वो संबंध में ही सारा बीबी जगीर कौर जी पार्टी के 95 के आए सन साढ़े श्रोमणी अकाली दल 95 तो 96 के असी उन्होंने श्रोमणी कमेटी की चोण लड़ाई मैंबर बनाया 97 के MLA की चोण लड़ाई मैंबर बनाया 97 के फिर वजीर बनाया 99 के फिर श्रोमणी कमेटी के प्रधान बने उस बाद 3 बारी प्रधान बने 1 बारी फिर वजीर बने सो जिन्ना मान सत्कार पार्टी कोर कमेटी सीनियर मीत प्रधान जिन्हें भी मान पार्टी को वड्डे अहुदे ने वो सारे बीबी जी दिते समय के इसतरी अकाली दल की प्रधान रहे सो ऐतकी की जी चोण है क्योंकि श्रोमणी कमेटी की चोण हर साल के साल ही होंगी है प्रधान की जी चोण है तो एग्जीक्यूटिव की हर साल के साल ही होंगी है ऐतकी की चोण जी हो रही है ये मानयोग बीबी जी कोई 3 महीने वैसे तो जिदन की पिछली चोण हुई सी जो साल हो गया कि जो धामी साहब प्रधान बनाए थे सही मैंने की गल तो बीबी जी उदों ही लाविंग कर लग गए पर चलो असी उन्होंने लिया नहीं बहुता सीरीयस हूँ कोई 2.5-3 महीनों के तो बीबी जी पूरे जोर ना मैंबरों मुलाकात कर मैंबर गलबात कर उन्होंने विश्वास लैन से लगे हुए सन जो चोण नेड़े आ गई तो कुछ बंद ने गल की प्रधान जी को प्रधान जी बीबी जी चोण के पहला ही फिरते हैं तो ज्यादा मैंबर का राय है ज पार्टी की सीनियर लीडरशिप की राय है भी धामी साहब का जो कार्यकाल है पिछले साल का बहुत चंगा है कोई शिकायत नहीं निम्रता भरिया तो सारों लेके चलन वाला रहा है सारे लोग इतने खुश ने तो फिर 2 कैंडिडेट किमें चोन लड़नगे तो फिर प्रधान जी ने चीमा साहब को भेजा बीबी जी को सरदार दलजीत सिंह चीमा जो साढ़े दफ्तर ने पार्टी के सीनियर मीत प्रधान ने भी तुम जाके बीबी जी को समझाओ तो पुछो जाके भी असल गल की है चीमा जी उन्होंने पिंड गए उत्थे गलबात की काफ़ी लंबा समा गल करन तो बाद उन्होंने कहा भी मैं तो चोन लड़नी है जो मर्जी हो मैं तो एक मन बना लिया भी चाहे पार्टी टिकट मैं दे दी है वधिया नहीं दी मैं ता भी लड़नी है वो आके रिपोर्ट चीमा साहब ने प्रधान जी को देती प्रधान जी ने फिर आ बुलाया बीबी जी आ बुला के घरे काफ़ी चिर उन्होंने गलबात की लंबा समा यही कह बीबी जी ऐर कि तुम चोन ना लड़ो तुम पार्टी के उम्मीदवार नहीं है उन्होंने कहा मैं उम्मीदवार बनाओ तो प्रधान जी ने साफ किया भी नहीं तुम पार्टी के उम्मीदवार नहीं है ऐर कि तुम्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता इस करके तुम ना लड़ो चोन फिर उन्हें कहा जी सानू दोनों इजाजत दे दो लड़न की उन्होंने भी दे दो मैनू भी दे दो तो प्रधान जी ने कहा यह कोई डिसिप्लिन वाली गल नहीं ना ये गल थानू करनी चाहिए है ये पार्टी के असूलों के उल्टा एक ही कैंडिडेट होंगे पार्टी का हमेशा जो होएगा सो तुसी मेरी बेनती है थोड़ा भी तुसी चोन ना लड़ो तो पर उस गलते विजित सी प्रधान जी ने भी कहा जी मैं भावें कली रह जा मेरी भावें एक ही वोट हो मैं मन बना लिया मैं तो चोन लड़नी है चलो प्रधान जी ने फिर पार्टी के सीनियर कोई 8-10 बंदे जो 10-12 से उन्होंने सद के फिर विचार वटांदरा किया भी आह स्थिति है हुण आपां की करिए तो फिर सारे जिम्मेवार सजना ने कहा कि एक बार होर बीबी जी को कहीए मिलन बंदे भेज दिए समझाइए जे ना ये नौबत आए फिर सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा तो सरदार दलजीत सिंह चीमा उन्होंने ड्यूटी लगाई गई भी तुम जाके समझाओ सारा बीबी जी को जाके वो भी 3-2.5 घंटे रहे बड़ा उन्होंने कोशिश की मनाने की उन्होंने इतों तक भी वायदा कर लिया कि भी अगली बार थोड़ू बना देंगे तुम साड़ी गल मान लो अज ऐतकी ना लड़ो ये चोण अगली बार थोड़ू लड़ा देंगे तो बीबी जी ने उत्थे भी टस तो मस नहीं हुए कहते नहीं मैं तो फैसला कर लिया चोन लड़नी है थोनों ये सारिया गल्लां दसन की लोड़ पई है कि बहुतिया गल्लां दा बीबी जी जानबूझ के भंबड़ भूसा पैदा कर रहे हैं कई गल्लां दे विच ये तां सारी क्लेरिफिकेशन तुहाडे सामने लियांदी है प्रेस दे कि तुहानू सारी गल दा घट्टो घट पता होवे असीं हर गल हर थां बह के उन्हां नाल करन नूं तैयार हाँ जे कोई साडी इक गल दे विच भी कोई फर्क निकले तो चलो जदों ये गल फिर वो कमेटी ने भी आके रिपोर्ट देती भी कोई हुण चारा नहीं हैगा इस गल दा भी हुण अपने कोले मैंबर भी सानू कहण लगे भी सानू दसो जी की करिए बीबी जी भी सानू टेलीफोन करी जांदे आ तुसीं कोई कैंडिडेट नहीं अनाउंस करिया कोई फैसला करो पार्टी असीं की करिए बीबी जी रोज़ ही सानू पुछदे आ कईआं नूं मिलण आउंदे आ कईआं कोले रिश्तेदार भेजदे आ कईआं नूं कुछ करदे आ तां फिर उस वेले पार्टी ने फैसला कीता कि हुण वेला आ गया कि कोई ना कोई कार्रवाई की जाए फिर जिहड़े सारे उन्हां दे डाकूमेंट सीगे जां अनुशासन जिहड़े चीमा साहब ते रखड़ा साहब ने रिपोर्ट दित्ती सी 2 वारी उत्थे जाण दी चीमा साहब 2 वारी गए वो सारिया गल्लां फिर पार्टी के सामने रखती तो वह सारिया उन्होंने प्रधान जी ने सानू भेज के अगला फैसला कर जो सानू कहा भी तुसी अनुशासनी कमेटी है हाँ तुसी अगला जो फैसला वो सारा करो क्योंकि श्रोमणी कमेटी के मैंबर भी दुविधा च पे हुए थे भी असी की करिए होंगी है
वह भी कही जाती सी मैं भी अकाली दल की कैंडिडेट हाँ मैं बहुत के मन के कई तो यह भी कहती सी भी तुम वेख लो खीर मैनू भी मनना पैना कैंडिडेट तो तुम मैं हूँ ही हाँ कर दौ कई बार बंदे सोच लग जाते हैं सो उस करके सानू ये दुविधा नू कढ़न की खातर जो सानू एकदम फैसला करना पिया कि पार्टी जिन्हों जो मतल करना पिया पार्टी के पिछों हालांकि मतली कोई बहुती सज़ा नहीं होंगी कोर्टा के फैसले भी है बहुते मुलाजम सरकारी भी कोर्टा के गए उत्थे भी कोर्टा के फैसले भी सी कि मतली कोई सज़ा नहीं गिनी जाती सो असी उन्होंने मतल किया ना उन्होंने नोट्स देता 48 घंटे का भी बीबी जी तुम ये जी 48 घंटे जवाब दो जो थोनू पार्टी प्रधान ने बेनती की पार्टी के कैंडिडेट नहीं है तुसी किस कपैसिटी दे विच फिरदे आ वोटां मंगदे जो तुसी पार्टी दे कैंडिडेट ही नहीं हैगे ते तुसी ये गल दा 48 घंटे जवाब दिओ ते 48 घंटे बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं सी दिता साडी जिहड़ी फिर मीटिंग जिहड़ी साडी होई 7:30 बजे जूम ते कीती ओह मीटिंग असीं इकट्ठे नहीं सी उदों 48 घंटे दे टाइम थोड़े भी टैलीफोन आए सारयां दे जी टाइम टप गया की फैसला कीता उदू बाद असीं सोचिया भी इह ना कहण के असीं भी धक्का करदे आ जां काली करदे आ असीं इक टाइम होर देता कल 12 बजे तक दा टाइम बीबी जी ने इक होर देता कि एक टाइम होर दे दिए असी एक टाइम होर दिता उदू मीटिंग तो बाद साड़ी तो बीबी जी का जवाब आ गया मेरे पीए तो मेल मंगी उन्होंने पीए ने तो मैं आख्या भी मेल भेज दे तू असी मेल देती उन्होंने फिर मेरे वट्सअप से मेल से जवाब आ गया उन्होंने जोड़ा जवाब तुम्हें तो प्रेस भी आ गया वो साढ़े को भी है उन्होंने एक दो शंके उठाए से जह दो नुकते उठाए से अपनी क्लैरीफिकेशन के वास्ते एक तो भी अनुशासन कमेटी किमें बन गई जी तो बनी नहीं सकती हाउस सारा भंग होया वै एक मैनू सुनया नहीं गया सदके असी फिर सोचा कि मैं पक कर पेश कर मौका नहीं दिता गया असी फिर सोचा सारिया ने भी बीबी जी तो यह भी गल आप कर लीए कोई फर्क नहीं पैदा एक अद्धे दिन का कोई यही गल नहीं होंगी जे बीबी जी शायद कल का भुलिया जी अच्छ शाम को घर आज तो उन्होंने भुलिया नहीं गिणा जाता एक टाइम आप होर दे दें असी कल फिर मैं तो बटोआ साहब तो बराड़ साहब सी असी ढिलों साहब ने छुट्टी ले ली सी कोई कम सगा तो सुखी जी ने असी टैलीफोन पर गल कर ली सी सारी इन्होंने भी टैलीफोन पर गल कर ली सी सारी भी एक टाइम आप होर दे दीए बीबी जी मिल के आपका जो पेश जो करना चाहती है जो तथ्य रखने चाहती है कमेटी मूहरे उन्होंने आप समा दे दीए उस करके फिर अज 12 बजे तक का समा असी दिता सारा चंडीगढ़ का ही देता से असी जान के भी ये भी ना हो कि होर जाना पवे तो चंडीगढ़ का ही समा देता अज असी 12 बजे हम उन्होंने वेट कर रहे थे हम तो एक तो उत्ते हो गया टाइम एक बजे का तो थोड़ा प्रेस में टाइम दिता से असी फिर भी सोचा कि एक बार होर पूछ लिया जाए फिर असी अपने दफ्तर सैकटरी तो टैलीफोन कराया बीबी जी ने भी उन्होंने तो पुछो भी कदों घर आए हैं तो उन्होंने दमाद ने फोन चुकया बीबी जी ने उन्हें कहा कि मैं गल करा 10-15 मिनट जो उन्हों का कोई फोन नहीं आया फिर दोबारा हरिंदर ने टैलीफोन किया भी बीबी जी दसो सानू भी तुसी आ नहीं रहे फिर उन्होंने पीए ने फोन चुकया उन्होंने पीए जी ने कहा भी बीबी जी बेगोवाल च ही ने तो पर बीबी जी आ नहीं रहे मीटिंग नहीं आएंगे साडे वल्लों ना ही है हुण दी नहीं आएंगे मीटिंग दे विच ये जिहड़ी हैगी अज तक की जिहड़ी सारी कहानी हैगी जिहड़ी हैगी है हुण एक दो गल्लां होर ने एक तो बीबी जी ने कहा सी कि हाउस भंग है प्रधान जी कल्ले ही ने ते कमेटी किस कपैसिटी च बनी है ज कमेटी कपैसिटी किस कमे करदी है काम हाउस भंग हो गया है कोई दो रहा नहीं को जिहड़ी बाकी सारे जिहड़ी एक वर्किंग कमेटी हुंदी है श्रोमणी अकाली दल दी जां होर पार्टियां दा तां मैनूं पता नहीं ते डेलीगेट इजलास दो चीज़ां भंग नहीं हुंदियां हुंदियां डेलीगेट भी इजलास डेलीगेट भी रहिंदे ने नवीं चोण तक ते वर्किंग कमेटी भी रहिंदी है वर्किंग कमेटी ने इत्थे ही मीटिंग करके जिहदे विच बीबी जी खुद हाजिर सी इत्थे ही सारे अधिकार प्रधान जी नूं दित्ते सी भी अज तो बाद तुहानूं सारे अधिकार दित्ते जांदे आ तुसीं भंग करो हाउस नवां हाउस बनाओ भंग करो नवे अहुदेदार बनाओ अनुशासनी कमेटी बनाओ पार्लीमेंटरी बोर्ड बनाओ होर भी जिहड़ा कुछ तुसीं जो भी तुहानूं ठीक लगता है जो भी तुसीं करना चाहुंदे आ ओह करो तुहानूं सारे अधिकार दित्ते जांदे आ वर्किंग कमेटी ने सारे अधिकार दिए है जी अज भी हैगी है वर्किंग कमेटी जो लोड़ पई तो सदी जा सकती है एक तो यह उन्हों का हैगा कि उन्होंने अधिकारों वरते हुए ने प्रधान जी ने जी अनुशासनी कमेटी जी बनाई हैगी है जी बनाई हैगी है दूजी गल सुन की उन्होंने की गल आप सुन की खातर असं उन्होंने अच्छ सदे वो आए नहीं है, है। सो इस करके बीबी जी ने आप सारिया गलों का पता है कुछ बीबी जी ने कहा कि मैंने पहला ही हले कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया बीबी जी ने आप भी कि उन्होंने इसत्री विंग दी असं थोनों दे दें कढ के बीबी जी सस्पेंड करते रहे अनुशासनी कमेटी बीबी जी ने खुद बनाई आपकी जी उन्हें इसत्री विंग सीगा बीबी जी की भी 6 मैंबरी खुद बनाई हुई है अनुशासनी कमेटी मेरे को भी हैगा वो उन्होंने आप हालांकि उत्थे इसत्री विंग के कोई प्रोविजन नहीं हैगी है कि अनुशासनी कमेटी बनाने की एको ही बनती होंगी पार्टी की अनुशासनी कमेटी पर बीबी जी ने आपकी इसत्री अकाली दल के भी एक अनुशासनी कमेटी बनाई हुई सी 6 मैंबरी सो इस करके ये तो बीबी जी दे सारे बहाने ने
कोई इस गल नहीं, असी उन्हां नूं बड़े सत्कारयोग से आके अपने दिल की गल दसते अज आ जाते, भावें थोड़े सामने थोनू भी भा लेंदे, सगा बड़ा चंगा हुंदा खुल के सारियां गल्लां करदे जिन्नियां कोई सीगियां गल्लां एक दूजे के मूँह ते हुंदियां। सो ये सारियां गल्लां असी जिथों तक असी जा सकते सी असी नहीं सी चाहुंदे कि साडे नाल जिन्हां ने इन्ना चिर कम किया कि पार्टी दे विच कोई इहो जी नौबत आवे जिहदे च कोई सानू किसी गल्लों कोई कहे कि इन्ने सीनियर बंदे नाल किसी किस्म का कोई धक्का किया गया। इस करके सारे मौके उन्होंने दिते है, पर क्योंकि हुण 7 तरीक हो गई है, परसों ही चोण है, हुण साडे कोल कोई चारा ही नहीं है भी कार्रवाई करन तो सिवाए, साडे कोल कोई चारा नहीं है, हुण सानू जिहड़ी कार्रवाई है वह करनी पैनी है। तो सो कार्रवाई असी जिहड़ी कमेटी बैठी है सारी मनतार सिंह बराड़ साडे नाल उन्हां नाल गल साडी अज फोन ते हो गई है, कल ही उन्होंने समर्था जाहिर करती सी कि कल मैथों शायद नहीं आया जाना, उन्होंने कोई जरूरी उन्होंने कोई मैनेजर की डैथ हो गई सी उहदे करके वह नहीं आ सके। सो अज जिहड़ा असी फैसला किया सारा जिहड़ा बैठ के किया फैसला वह है कि बीबी जी नूं पार्टी दे विचों कढ दिता गया, पार्टी दे विचों उन्हां दा जिहड़ियां सेवावां वह सारियां मुढ़ली मैंबरशिप ते उन्हां नूं खारिज कर दिता गया, उन्हां दीआं सारियां सेवावां पार्टी दे विचों खत्म करतीआं। अज तो बाद पार्टी का बीबी जगीर कौर नाल कोई लेना देना नहीं, ना वो साडे मैंबर ने ना वो अकाली दल दे विच ने, ते सारे असी मैंबरां नूं भी अपील करांगे कि किसी किस्म की भी कोई गलबात बीबी जी नाल किसी किस्म की भी गलबात या नेड़ता रखने की कोशिश ना की जाए, सियासी के तौर पर कोई गल उन्होंने नाल बिल्कुल ना किसी किस्म की जाए, वो पार्टी के हुण अपने मैंबर नहीं रहे, उन्होंने पार्टी के विचों कढ दिता गया।